नमस्कार, मैं सुनीता खबर लहरिया महोबा से। हेलो डॉक्टर, में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच है डॉक्टर सुधा गुप्ता। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत हेलो डॉक्टर में स्वागत है। डॉक्टर साहब 2001 से महिलाओं की बीमारी पर काम कर रही हैं। इन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में अलग अलग जगहों पर महिलाओं की बीमारी को लेकर के प्रैक्टिस की है, काम किया है। तो आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि बाँझपन होता क्या है। तो डॉक्टर साहब आप बताइए कि बाँझपन क्या है। अगर वो प्लानिंग कर रहे हैं कि उन्हें बच्चा चाहिए और मतलब कोई भी जो गर्भ निरोधक जो चीज़ें होती हैं उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं और वो बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं तब भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, 6 मंथ अगर हस्बैंड के साथ हैं और तब भी वो मतलब गर्भ धारण नहीं कर पा रहे, तो इस स्थिति को बाँझपन कहते हैं। डॉक्टर साहब, एक के माँ को बच्चा होने की क्या क्या ज़रूरतें होती, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चा होने पर सहयोग करते हैं? देखिए, हर लेडीज़ के अंदर में एक यूट्रस होता है। यूट्रस एक होती है फेलोपियन ट्यूब, जो दो होती हैं और दो होती हैं ओवरी। तो जब पीरियड होता है, मासिक होता है, तो मासिक के 12वें या 14वें दिन एक ओवम बनता है जो हर महीने बनता है। तो अगर वो ओवम फेलोपियन ट्यूब से, जो ट्यूब्स बोले हैं ना, फेलोपियन ट्यूब होता है, ओवम अगर ट्यूब से पहुँचता है और यहाँ अगर पति के साथ रिलेशन होता है तो उनका स्पर्म पहुँचता है, तो वहाँ वो आपस में मिलता है, जिसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। वो फर्टिलाइज होकर तो एम्ब्रियो का रूप ले लेता है और जो एम्ब्रियो है वो सीधे फिर यूट्रस में पहुँच कर यूट्रस की वॉल से चिपक जाता है और वहीं उसका निर्माण होता है, बच्चा बनने लगता है। बच्चे के बनने की प्रक्रिया वही होती है। और जो ओवम है वो 12वें से 14वें दिन होता है, लेकिन 2 दिन आगे 2 दिन पीछे, 12वें 14वें 16वें, ये इन दिनों रिलीज होता है। और इन्हीं दिनों अगर मतलब रिलेशन हो तो बच्चा होने की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाती है। डॉक्टर साहब, महोबा जिला से पूजा जी का सवाल है। उनका कहना है कि उनकी शादी के 8 साल हो गए हैं पर अभी तक उनको कोई बच्चा नहीं हुआ है। उनको शुरुआती से माहवारी भी नहीं हुई है और उनने इसका बहुत इलाज करवाया है डॉक्टर, इसकी वजह से वो माँ भी नहीं बन पा रही। तो क्या माहवारी ना होना उनके बच्चे माँ बनने का कारण है या कुछ और कारण हो सकता है? देखिए, ऐसा भी होता है कभी कभी माहवारी ना होने पर मतलब बच्चा नहीं आ सकता है, लेकिन कभी अगर ओवुलेशन सही हो रहा है उसका तो वो प्रेग्नेंट हो सकती है। उसने क्या फॉलिकुलर स्टडी करवाई, अगर नहीं करवाई है तो एक बार करवा कर देखे। अगर ओवम बन रहा है तो कंसीव कर सकती है, उसमें चांसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं कि माहवारी ना हो और तो बच्चा ना आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर साहब, हमारे पास एक और सवाल है छतरपुर से रेणुका जी का है। उन्होंने कहा है कि उनकी शादी के करीब 8 साल हो गए हैं और शादी के 1 साल बाद उनको एक बच्चा हुआ था और वो ख़त्म हो गया और उन्होंने तब से लेकर के अभी तक वो माँ नहीं बनी है। तो क्या कारण हो सकता है कि वो ना माँ बन पाई हैं? ये होता है कभी कभी, जब बच्चा होकर भी डेथ हो जाती है या पेट में ही बच्चा ख़राब हो जाता है तो उससे किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने से ट्यूब में भी ब्लॉकेज हो जाती हैं या मतलब यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका उन्हें रेगुलर चेकअप करवाना होगा। यूट्रस सही है उसकी सोनोग्राफी करवाना, ओवुलेशन का करवाना है कि ओवुलेशन भी हो रहा है नहीं हो रहा है या ट्यूब में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर ट्यूब में कोई ब्लॉकेज है तो उसमें कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ट्यूब से ही ओवम अंदर आएगा और जिससे कि फर्टिलाइजेशन होगा। तो तीसरा हमारे पास सवाल है, बांदा से है, इनका रचना जी का। उनका कहना है कि उनकी शादी के काफ़ी दिन हो गए हैं और उन्होंने सोचा कि शादी के बाद से उनको बच्चा होगा पर 4 साल हो गए अभी तक उनको कोई बच्चा नहीं हुआ है और उन्हें लगातार इलाज भी करवाया है पर उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनके पति के सारे टेस्ट नॉर्मल बताए जा रहे हैं पर जो महिला है उनका एक ट्यूब ब्लॉक है, तो क्या इसके कारण से वो माँ नहीं बन पा रही हैं या कुछ और कारण है? नहीं, ट्यूब अगर ब्लॉक है, एक ट्यूब ब्लॉक है, एक ट्यूब सही है तो 50% चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी आ सकती है। उसको ये देखना है कि ओवम अगर जिस साइड की ट्यूब सही है और अगर उस साइड ओवम बनता है तो वो कंसीव कर जाएगी, लेकिन उसके लिए उसे फॉलिकुलर स्टडी कंटिन्यू करवानी पड़ेगी। उसको उससे जिस महीने उसका वहाँ ओवम बनता है और उस टाइम मतलब वो साथ में हस्बैंड के साथ सही डे पर रहती है तो कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे एक और साथी ने सवाल भेजा है, बाराबंकी से हैं। उनका कहना है कि वो अभी अविवाहिता है और एक व्यक्ति से वो काफ़ी दिन से संपर्क में रह रही हैं और किसी कारणवश वो गर्भवती हो गई थी
पर उन्हें बच्चा ना चाहिए होने के कारण उन्हें गर्भपात करवा दिया था, पर उन्हें अभी डर है कि वो आगे गर्भवती हो पाएंगी या नहीं। इसके लिए आप कोई ठोस और सही सलाह दें। नहीं, अगर उन्होंने ऐसा करवाया है तो उससे मतलब फर्स्ट टाइम जब कोई एक एबॉर्शन करवाता है उससे इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो इन्फेक्शन हो जाए इससे पहले वो शादी से पहले ही अपना ट्रीटमेंट करवाएं, रेगुलर चेकअप करवाएं, ट्रीटमेंट करवाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको लेना होगा। कहीं आगे चल के अगर ट्यूब में इन्फेक्शन हो गया या यूट्रस में हो गया, ओवरी में कुछ हो गया है, तो उसका उन्हें ट्रीटमेंट, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट लेना होगा। लक्ष्मी नाम की महिला का सवाल है। उनका कहना है कि उनकी शादी के कई साल हो गए हैं पर उनके पति को शुक्राणु नहीं बन पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो माँ नहीं बन पा रही हैं, पर उनको बच्चा चाहिए, तो वो किस तरह से अपना वो इलाज करवाएं कि वो माँ बन सके। अगर उनके पति के शुक्राणु नहीं बन रहे हैं तो उनको वो ये दिखाना है कि शुक्राणु बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाहर नहीं आ रहे हैं या बिल्कुल ही नहीं बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं तो उन्हें फिर टेस्ट ट्यूब में IVF सेंटर जाना होगा, तभी मतलब उनका हो सकता है, लेकिन वो अदर के शुक्राणु का यूज करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप हमारे शो में जुड़े। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इतनी अच्छी महिलाओं के बारे में जानकारी दी। तो अगले शो में फिर हम मिलते हैं आपके साथ नए सवालों के साथ। आप भी हमें भेजते रहिए अगर आपके पास कोई सवाल है। तब तक के लिए हम नमस्कार।